हेलो गाइस, वेलकम टू मेघा सरवानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आज का जो वीडियो लेक्चर होने वाला है, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं लगातार मैसेज के माध्यम से और कॉल के माध्यम से पूछना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि सर अब समय कम बच गया है एग्जाम के लिए, तो अब किस तरीके की रणनीति के साथ हमें तैयारी करनी चाहिए, साथ ही साथ क्या हमें ऑफलाइन में उससे जोड़ना चाहिए या हमें ऑफलाइन कोर्स परचेज कर लेना चाहिए या स्टडी मटेरियल से हमें परचेज करना चाहिए। इन सभी बिंदुओं पर आज बात करेंगे, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज में भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है इसी सीरीज में आज बात करेंगे, सबसे पहले हम कि जो यूके ट्रिपल एससी है इसमें अपना कैलेंडर जारी किया, तो जो कैलेंडर जारी किया है उसमें सबसे पहला एग्जाम कौन सा होगा और इसमें जो एग्जाम होगा उसके लिए हम क्या आप ऑफलाइन बैच से जुड़े या ऑनलाइन बैच से जुड़े या स्टडी मटेरियल नोट्स तैयारी करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं, इन्हीं सब पे डिस्कस करने वाले, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बच्चों के बीच में कंफ्यूजन है वो अभी है कि अब तैयारी कैसे की जाए, समय कम है और तैयारी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपका ये पटवारी लेखापाल एग्जाम है ये तो नवंबर में होने वाला है, जो कैलेंडर में जारी किया गया है, और पुलिस एसआई का होने वाला है आपका अक्टूबर में, ठीक है, और पुलिस कांस्टेबल का जो ये सितंबर में होने वाला है, अभी इसका जो फिजिकल वगैरह चला हुआ है, मैक्सिमम हो चुका है, थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है वो है, ठीक है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को यहाँ पर है और बच्चे अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऑफलाइन बैच वगैरह ज्वाइन कर रहे हैं और बहुत सारे जो हमारे पास स्टेटमेंट नोट्स की डिमांड आ रही है, इसके अलावा ऑनलाइन बैच और ऑफलाइन बैच, ठीक है। इसके अलावा लेवल सिस्टम एनवायरमेंट सुपरवाइजर का ये पेपर आपका होने वाला है अगस्त में और टाइमटेबल पर भी हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले कोई भी एग्जाम अगर आप तैयारी करते हैं तो एग्जाम का पैटर्न को आपको जान लेना है, सिलेबस के बेस पर आपको तैयारी करनी है, उसके लिए एग्जाम का पैटर्न जानना और उसके बाद जो सिलेबस है उसका कलेक्शन होना, पाठ्यक्रम का कलेक्शन होना बहुत जरूरी है। तो इसी के लिए जो है इन्हीं सभी एग्जाम के लिए हमारी टीम द्वारा स्टडी मटेरियल नोट्स तैयार किया गया है, अभी थोड़ा बहुत उस पर भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो ये स्टडी मटेरियल नोट्स है इसके साथ हम लोग आपको वीडियो लेक्चर भी देते हैं और वीडियो लेक्चर के साथ हम लोग आपको लाइव क्लासेस भी देते हैं, लाइव ऑनलाइन क्लास होती है जो कि मंडे से सैटरडे को होती है, ये एक घंटे की आपको ये क्लास मिलती है, ठीक है ना। और इसके अलावा ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच की भी डिमांड आती है, तो बता दें कि ऑनलाइन बैच इसके लगभग सारे फुल है, ऑनलाइन बैच भी हम लोग नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे कोई भी नया बैच, और जो आप स्टडी मटेरियल नोट्स अगर आप परचेज करते हैं तो इसके साथ एक घंटे की आपको लाइव ऑनलाइन क्लास मिल जाती है। तो ये जो सिलेबस है सबसे पहले बात करें, डिस्कस करें पटवारी लेखापाल पुलिस एसआई और पुलिस कांस्टेबल और बंदी रक्षक का जो भी आपका पेपर हुआ सिलेबस सबका सेम, हमें सिलेबस पे तैयारी करनी, इसी के बेस पर हमने स्टडी मटेरियल नोट्स तैयार किया है। थोड़ा सा अपन लैब असिस्टेंट और एनवायरमेंट सुपरवाइजर का सिलेबस आपको अलग मिलेगा, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे, बाकी टेस्ट सीरीज और टाइम टेबल पर भी मैं आपको चर्चा करूंगा एट द एंड में। तो सबसे पहले मैं सिलेबस आपको बताऊँ तो हमने किस बेस में डिजाइन किया हुआ है, स्पेशली उत्तराखंड को चार पार्ट में हमने डिजाइन किया हुआ है, क्योंकि उत्तराखंड 40 नंबर का आता है, तो 40 नंबर का उत्तराखंड आता है तो उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही है, तो चार पार्ट में उत्तराखंड मिलेगा। कि सबसे पहला नोटबुक है उत्तराखंड का इतिहास का, ये नोटबुक के साथ आपको ऊपर पेज में ये हम लोग लेक्चर नंबर दिया हुआ होगा, ठीक है, आप लेक्चर नंबर के गो थ्रू कर अपने डाउट को आसानी से क्लियर कर सकते हैं, जैसे यह लेक्चर नंबर दिया हुआ है 12 में, यहाँ बच्चे भी जन्म वगैरह दिया हुआ है। अच्छा, इसके पीछे जो है आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, ठीक है, ये सब प्रैक्टिस सेट भी है, टॉपिक खत्म होने के बाद आप तुरंत प्रैक्टिस सेट लगाए ताकि आपका रिविजन हो सके। इसकी ये विशेषता है कि जैसे आप पढ़ेंगे यहाँ पर आपको पूरा कलेक्शन मिल जाएगा, जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ शुरुआत में इतिहास जो है प्रारंभिक इतिहास की, तो वो सीरीज आपको मिलेगी, उसके बाद कार्तिकीपुर राजवंश के जो प्रथम तीन परिवार के 14 शासकों ने 300 वर्षों तक शासन किया था, पूरा प्रथम परिवार, द्वितीय परिवार, तृतीय परिवार पूरा मिलेगा, बाद में जब ये टूट जाएंगे पृथ्वी का लाइन वो पूरा सीरीज मिलेगा, इसके बाद आपको चंदों का सीरीज मिलेगा, चंद वंश का पूरा सीरीज मिलेगा। इसके अलावा आपको जो है यहाँ पर
पवारों का परमाणु इसका पूरा सीरीज मिलेगा, फिर इसका सीरीज मिलेगा, गोरखाओं का शासन पूरा मिलेगा, गोरखा शासन कमिश्नर का सीरीज मिलेगा, जो 24 कमिश्नर उनकी सीरीज उनकी विशेषताएं पूरी मिलेगी, पूरे 12 भूमि बंदोबस्त जो 11 आज़ादी से पहले आज़ादी के बाद बता वो आपको मिलेगा, पीछे जो है आपको पत्रकारिता मिलेगा और स्वतंत्रता संग्राम में जो भूमिका है उत्तराखंड की वो पूरा डिटेल में यहाँ पर आपको इस नोटबुक में मिल जाता है। ठीक है, ये तो क्लियर कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आपका स्टडी मटेरियल नोट्स पढ़ने के बाद हमें अदर नोट्स पढ़ने की जरूरत है या नहीं, तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, बट आपको ये स्टडी मटेरियल नोट्स और हमारा जो लाइव ऑनलाइन क्लास आपको मिलता है उसे जरूर ज्वाइन करना है, उसके बाद आपको कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं, बट इन्हीं नोटबुकों को आप सीरीज में पढ़ लें। जैसे पवार वंश की सीरीज हम बताएं आपको, पवार वंश का पहला शासक हम कनकपाल को मानते हैं, श्यामपाल अगला होगा, पद्मपाल तीसरे नंबर का होगा, ऐसे 24वां सोमपाल होगा, ठीक है, 25वां होगा आपका आपका होगा 25वां अनंतपाल होगा, कांतिपाल होगा या कालिपाल होगा, 28वां लखनदेव होगा, 29वां अनंतपाल होगा, 34वां जगतपाल होगा, 37वां आपका शासक होगा अजयपाल जो कि महत्वपूर्ण शासक है, 41वां शासक आपका विजयपाल होगा, 42वां शासक सहजपाल होगा। ठीक है, ये पूरी सीरीज आपको मिल जाएगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे 47वां शासक पृथ्वीपति शाह हो गया, 48वां शासक मेदिनी शाह, 49वां शासक फतेहपति शाह, पूरी सीरीज 54वां शासक महीपति शाह, इंदिरा राजवंश में प्रथम शासक होंगे आपके सुदर्शन शाह, 1815 से 1859 में आएंगे, 1859 से 1871 में आपका भवानी शाह आएंगे, प्रताप शाह आएंगे, फिर कीर्ति शाह आएंगे और फिर आपका नरेंद्र शाह आएंगे, फिर मानवेंद्र शाह आएंगे। ठीक है, तो पूरा सीरीज आपको एक साथ मिलेगा, ऐसे कमिश्नर का कार्यकाल मिलेगा आपको 1815 में की गार्डन, 16 से 35 परेड, 36 से 38 गोवान, 38 से 48 क्रूसिंग गार्डन, 48 से 56 में सॉरी हाँ 56 से 84 में आपका आ जाएगी, छठे कमिश्नर होंगे, ऐसे सीरीज में पूरा आपको मिल जाएगा जो भी है। ठीक है ना, कार्यकाल पूरा सीरीज में आपको मिल जाएगा। जो इसके बाद अगला नोटबुक है ये उत्तराखंड का जिलेवार विवरण नोटबुक है, इसमें पूरी डिस्ट्रिक्ट सीरीज आपको मिल जाएगी 13 के 13 जिले, इसके अलावा इसके पीछे बहुत सारा मिसलेनियस है जो कि आपके एग्जाम में बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका को निभाता है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट सीरीज है आपका उत्तराखंड का जिलेवार विवरण। अगला जो नोटबुक होता है उत्तराखंड का ये दो हो गए, तीसरा चौथा इसी में मर्ज है, इसमें उत्तराखंड का भूगोल है और संस्कृति है पीछे में। ठीक है, प्रैक्टिस सेट इसमें भी है और दो नोटबुकों को मर्ज करके बनाया है, हालांकि पार्ट अलग अलग है, तो इसमें भी प्रैक्टिस सेट है, वीडियो लेक्चर भी है, और जो वीडियो लेक्चर है ना वो सारा डाटा आपको वीडियो लेक्चर में मिलेगा, 1 जनवरी 2022 तक पूरा अपडेटेड मिलेगा। ठीक है ना, तो ये सब चीजें हैं, बाकी जो भी पॉइंट आपके बच जाते हैं और जो आपकी दिक्कतें होती हैं वो लाइव ऑनलाइन क्लासेस जो चलती है 1 घंटे की मंडे टू सैटरडे आप उसमें डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद ये तो आपका उत्तराखंड 4 पार्टों में हो गया है, आगे जो डिस्कस करते हैं हिंदी, 20 नंबर की हिंदी आती है, पैटर्न सब सेम है, तो 20 नंबर में स्पेशली जो हिंदी आती है यहाँ पर हमने स्पेशली जो सबसे ज्यादा टफ होता है बच्चों के लिए अलंकार हो गया, सबसे ज्यादा टफ अलंकार हो गया, तद्भुत शब्द को आइडेंटिफाई करना हो गया, ये देशज विदेश शब्दों को याद करने की ट्रिक हो गई, ये सारी चीज इसमें कवर है, बहुत आराम से आप इन सब चीजों को कवर कर सकते हैं। आप बात करते हैं नोट्स सैंपल कैसे आप इन्हें देख सकते हैं, फिर आपको यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी देखने को मिलेगी, फिर आपको इंडियन ज्योग्राफी देखने को मिलेगी, लास्ट में फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको देखने को मिलेगी, और ये ज्योग्राफी का नोटबुक है, और ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एग्जाम में, सारे सब्जेक्ट का रोल है, उस पर चर्चा करेंगे। अगला नोटबुक जो है पॉलिटिकल साइंस का एक बेहतरीन डिजाइन किया गया है, पॉलिटिकल साइंस का नोटबुक या पॉलिटिकल नोटबुक आप बोल सकते हैं, बहुत सारे बच्चे पॉलिटिकल साइंस में कन्फ्यूजन रखते हैं, और आगे जो है ये इकोनॉमिक्स का नोटबुक है, इसके पीछे आपको कंप्यूटर का नोटबुक भी मिल जाएगा, और इसमें जो है एक और नोटबुक आपका आएगा लास्ट सब्जेक्ट पे, ये आएगा हिस्ट्री। ठीक है, ये तीनों पार्ट में हिस्ट्री, पीछे इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री को भी मार्जिन कर दिया गया है।
अगर ओवरऑल देखा जाए तो आप यूपी पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये 8 नोटबुक का सेट है आपके लिए, और इसको जो है खत्म करने के बाद आपको कोई एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं होगा, क्योंकि लाइव क्लासेस हम आपको एक घंटे की मंडे टू सैटरडे दे रहे हैं, तो उसमें आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, बशर्ते इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरी बात, बहुत बच्चे जो है ना एक डाउट ये रखते हैं, चलिए कि ये जो उत्तराखंड है ये 40 का आता है, ठीक हो गया, यहाँ हिंदी आ गया है, ठीक है, हिंदी 20 का आ गया, और जीएस क्वेश्चन पे वो लोग ज्यादा फोकस नहीं करते, ठीक है। ये गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा कि आप किन्हीं दो सेक्शन का ज्यादा फोकस करें और एक को इग्नोर करें, ये कम्पिटिटिव एग्जाम है। कम्पिटिटिव एग्जाम में होता ये है कि आपको सभी को साथ लेके चलना होता है, इसमें कोई जो है ज्यादा जो है तब कोई इजी ऐसा नहीं होता है। एग्जामिनर जो पैटर्न सेट करता है 50-30-20 के रेशियो में सेट करता है, यानी कि 50% जो है ना वो सभी हर किसी को आता है पेपर का, जो 30% होता है उस पर देखी जाती है आप लोगों ने कितना मेहनत किया है, कितनी ज्यादा आपने मेहनत की है, वो 30% वाला पार्ट में आपको देखिए, 20% वाला पार्ट होता है वो तब से तब होता है, उसको छोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आपने बहुत अधिक पढ़ा हुआ, बहुत अच्छा आपने पढ़ा हुआ है, देन आप वहां पर जा सकते हैं, अदरवाइज जो नेगेटिव मार्क्स आपके जो अकाउंट में जो बैलेंस है आपका उसको आपको माइनस कराएगा, ठीक है। तो ये पेपर का पैटर्न होता है, कभी भी अगर आप ये सोच रहे कि आप उत्तराखंड हिंदी पर फोकस कर लें, जीएस को हल्का हल्का करके कवर कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, तीनों पार्टों को साथ को लेकर चलना है, इस बात को विशेष कर ध्यान देना। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा लैब असिस्टेंट और एनवायरमेंट सुपरवाइजर पर भी बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन बैच और ऑफलाइन बैच की डिमांड कर रहे हैं, तो इसके ऑलरेडी बैचेस चले हुए थे, तो अब तो कोई भी बैच इसका है नहीं, और ना ही ऑनलाइन और ना ही ऑफलाइन, ठीक है। तो इसके लिए स्टडी मटेरियल नोट्स अभी है, तो ये परचेज कर सकते हैं, ये फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों का नोटबुक का ही सेट है, और ये स्पेशली सिलेबस बेस्ड डिजाइन है, तो आप चाहे तो इनको परचेज करके अभी भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन ये नोटबुक आपको एटलीस्ट बहुत बार पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं कि 3-4 बार पढ़ के आप ये कवर कर लेंगे, ऐसा नहीं है। चीजें जो होती है मानव की प्रवृत्ति है भूलने की, आज हमने पढ़ा ऑब्वियसली बात है 2 दिन बाद फिर हम भूल जाएंगे हमने क्या पढ़ा, तो रिवाइज करना होता है। अभी जो मैंने नोटबुक आपको दिखाया इनको आप एक टाइमटेबल बेस सेट कर लें, ठीक है, कम से कम एक नोटबुक हिंदी का आपको पढ़ना ही पढ़ना है, छूना ही छूना है हिंदी में एक टॉपिक, और अगर आपका हिंदी ज्यादा वीक है तो 2 टॉपिक आप एक दिन में लेके चलिए। स्पेशली ये जो वीडियो लेक्चर है, ये जो स्टडी मटेरियल नोट्स परचेज किए हुए स्टूडेंट है, ये उनके लिए है, ऐसे आप इन्हें तैयारी कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो हिंदी में वीक है तो 2 टॉपिक एक दिन का, एक मॉर्निंग इवनिंग सेशन में बांटिए, उत्तराखंड में 2 नोटबुक को साथ लीजिए, हिस्ट्री और ज्योग्राफी को साथ ले लीजिए, उधर डिस्ट्रिक्ट सीरीज और उसको साथ ले लीजिए कल्चर, ठीक है, एक दिन में 2 नोटबुक उत्तराखंड को भी आपको कवर करना है, और जीएस पार्ट की कॉम्बिनेशन बना के पढ़ना है, ठीक है, और जीएस पार्ट में हिस्ट्री पॉलिटी का कॉम्बिनेशन बना लीजिए, ज्योग्राफी और इको का कॉम्बिनेशन बना लीजिए, और एक टॉपिक अगर आपका रीजनिंग कमजोर है तो एक टॉपिक रीजनिंग को भी जरूर आपको कवर करना है, ठीक है। तो ये टाइम टेबल है, और बाकी वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप टाइम मैनेजमेंट आप कैसे अपना शेड्यूल करते हैं। अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज की, बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑफलाइन हमारे यहाँ तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज पर भी उपलब्ध है, बट जो स्टडी मटेरियल नोट्स परचेज में ऐसे स्टूडेंट टेस्ट सीरीज की डिमांड कर रहे हैं, तो आपको जुलाई के बाद ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, और ऐसे स्टूडेंट जो टेस्ट सीरीज ऑफलाइन बेस से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट विजिट करके टेस्ट सीरीज दे सकते हैं ऑफलाइन में, और ये जो ऑफलाइन बैच मैं टेस्ट सीरीज आपको देंगे इसमें अभी फॉरेस्ट गार्ड वाले को आपको मिल नहीं पाएगा, क्योंकि जुलाई में उसका पेपर है, और आगे के जैसे पटवारी लेखापाल बंदी रक्षक पुलिस कॉन्स्टेबल ये टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, और जो एस्पिरेंट जो स्टडी मटेरियल नोट्स दिए हुए हैं उनकी डिमांड है, तो उनको ये टेस्ट सीरीज जुलाई के बाद में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ये टेस्ट सीरीज भी आपको जो है ऑफलाइन बेस पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, आप चाहें तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, बट आपका पेपर ऑनलाइन मोड में नहीं होगा, ऑफलाइन मोड में है, तो बेटर है कि ऑफलाइन मोड में ही आप उनको कवर करें। टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी होता है, टेस्ट सीरीज से थोड़ा सा आकलन होता है, एग्जाम से एक महीने पहले एटलीस्ट आप लोग टेस्ट सीरीज जरूर कवर कर लें, चाहे आपके आसपास में जहां पर भी टेस्ट सीरीज
ऑर्गेनाइज होती है, आप वहां पर ज्वाइन कर लें, लेकिन एग्जाम से एक महीने पहले जरूर कर लें। बहुत सारे बच्चे ऐसे देना स्टार्ट कर चुके हैं, अक्टूबर नवंबर में, तो उससे कोई ज्यादा आपको बेनिफिट तो नहीं मिलेगा इतना लंबा, क्योंकि यहाँ आप बेटर है कि आप चीजों को बार बार रिवाइज करें, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। एग्जाम से एक या डेढ़ महीने मैक्सिमम डेढ़ महीने, वैसे एक महीने पहले से आपको टेस्ट सीरीज दे देना है, मल्टीपल सीरीज, ठीक है। आप चाहें तो वो आप पर डिपेंड है, आप इसे बढ़ा सकते हैं, दो महीने कर सकते हैं, तो ये सब चीजें आपको जरूर करनी है। और मैंने आपको बता दिया कैसे ये सब चीजें आपको कवर करनी है स्टडी मटेरियल नोट्स। और बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑफलाइन बैच की डिमांड कर रहे हैं, ऑफलाइन बैच में आप अगर आप पेपर है स्पेशली पुलिस कॉन्स्टेबल वाले बच्चे ज्यादा कर रहे हैं, ऑफलाइन बैच में अगर आपके पास जैसे हमारे यहाँ तो स्टडी मटेरियल नोट्स बेस क्लास होती है, आप एडमिशन लेते हैं आपको ये स्टडी मटेरियल नोट्स एक साथ मिल जाता है। अगर आप खाली यही स्टडी मटेरियल नोट्स 15 से 20 30 बार भी पढ़ते हैं कि एग्जाम तक, तो डेफिनेटली आपका एग्जाम करेक्ट हो जाएगा। बट इसको जो है ना मेहनत से आपको पढ़ना है, अदरवाइज आप अगर नहीं पढ़ते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप भीड़ का हिस्सा है। अगर भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है आपको, तो ये नोटबुकों को आपको कम से कम पढ़ना ही पड़ेगा। जितनी बार होगा जितने टाइम से आप इनको पढ़ेंगे उतना बेनिफिट आपको मिलेगा। ये मैसेज सभी ऐसे स्टूडेंट को है जिन्होंने स्टडी मटेरियल नोट्स परचेज किया हुआ है, आप इन नोट्स को बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। जो आपको एक घंटे की लाइव क्लास मिलती है उसे मिस मत कीजिए, वहाँ पर भी आपको बहुत सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट मिल जाते हैं और चीज़ों को बार बार पढ़ेंगे तो डेफिनेटली उसके बाद आपको बाहर बिल्कुल नहीं भटकना है। एक सिलेबस आपको मिल गया है यहाँ पर, हमारे यहाँ पर एडमिशन लेने पर होता है कि आपको सिलेबस एक साथ मिल जाता है, यानी कि बच्चे की 50% समस्या का समाधान यहाँ पर हो चुका है, सिलेबस आपका बिल्कुल तैयार है, आपको इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, तो आपके लिए सब चीज़ें बहुत आसान है। बाकी जो है टाइम टेबल एक पर्टिकुलर वे में आपको उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, सो डेट आप जो है एग्जाम को करेक्ट कर पाए, ठीक है। बाकी ये चीज विशेष ध्यान देना, इसको इग्नोर मत कीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको सभी बातों को साथ लेके चलना है, तब जाके आप एग्जाम को करेक्ट कर पाएंगे। बाकी अगर आपको नोट्स सैंपल देखने हैं तो आप फेसबुक पेज मेरा सलमान पर विजिट कर देख सकते हैं। अगर आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इंस्टीट्यूट विजिट करके स्टडी मटेरियल नोट्स लेने आते हैं तो आप पहले संस्थान से संपर्क कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट परसों आए थे उधर बनबसा से, तो उन्हें वापस लौटना पड़ा क्योंकि इंस्टीट्यूट में स्टडी मटेरियल नोट्स की शॉर्टेज रहती है। और इस चीज़ को विशेषकर ध्यान दिया जाए कि जब आप आना चाहते हैं इंस्टीट्यूट विजिट करके ऑफलाइन माध्यम से देना चाहते हैं तो आप जरूर विजिट करें, बट इन्फॉर्म करें अगर आप ज़्यादा दूर से आते हैं, स्टूडेंट आपको खाली हाथ वापस न जाना पड़े। बाकी जो एस्पिरेंट दूर हैं गाँव में हैं और स्टडी मटेरियल नोट्स मंगवाना चाहते हैं तो मंगवा सकते हैं, ऐसा लगभग उत्तराखंड के सभी डिस्ट्रिक्ट से स्टडी मटेरियल नोट्स एस्पिरेंट मंगा चुके हैं। और इस स्टडी मटेरियल नोट्स का आप फीडबैक जरूर देखना, हमारा फेसबुक पेज है मेदाय सर्वानी, वहाँ पर विजिट करके उस पेज से जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर सारी अपडेट आपको कम्पिटेटिव एग्जाम से संबंधित वहाँ पर अपडेटेड मिल जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं, उम्मीद है लेक्चर आपके समझ में आया होगा। स्टडी मटेरियल नोट्स को देखिए, जो आपके मन में डाउट है कि कैसे तैयारी करनी है, क्या आपका टाइम टेबल होना चाहिए, क्या ये टेस्ट सीरीज का कैसे हम टेस्ट सीरीज को करें, तो बेटर है कि ऑफलाइन आप टेस्ट सीरीज को करें तो बेटर है, क्योंकि आप अपने घर में बहुमार्षिक फिलअप करके वो टेस्ट सीरीज कर सकते हैं, वो बेटर है, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपका ऑन पेपर ऑनलाइन मोड में होना नहीं है, तो बेटर है आप ऑफलाइन मोड में इसको कर सकते हैं। टाइम टेबल जरूर फॉलो कीजिए, सभी पार्टों को कवर कर लीजिए और ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। बाकी एग्जाम में समय कम है तो आपको लिखना पॉसिबल भी नहीं है, जब तक आप लिखोगे फिर उसको कम रिवाइज करोगे, इसलिए स्टडी मटेरियल नोट्स बेटर ऑप्शन है। बार बार पढ़ेंगे इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, बार बार चीज़ों को पढ़ेंगे पढ़ते जाएंगे तो डेफिनेटली उसका आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। मिलेंगे एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, थैंक यू।